अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम लोग मिलकर बनाएंगे समर सिरम, जिसको उर्दू में कहते हैं बिजली सिरम। इससे जनाब साहब आपको क्या मिलेगा, 100% ग्लो मिलेगी, ठीक है जी। 80% स्कार्स खत्म हो जाएंगे आप लोग के। गर्मी की वजह से जब पसीना आता है कलर डल हो जाता है, ये कलर को डल नहीं होने देगा, ठीक है जी। ये एक्ने वालों, कॉम्बिनेशन वाले, ड्राई वाले और ऑयली हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना आएगा ऑयली वाले 2 पंप यूज करेंगे, जिनकी ड्राई स्किन है वो 4 ड्रॉप्स यूज कर लेंगे सिरम का, ठीक है जी। अब फटाफट जी इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले रोज वाटर, ओके, ये मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, इसको मैं साइड पर रखती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमें चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल, ये मैं छोटे यूज कर रही हूँ, अगर आप लोग बड़े मैं भी क्वांटिटी आप लोग को बताती हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हमें चाहिए रोज ऑयल, उसके बाद हमें चाहिए ऑरेंज ऑयल। सबसे पहले जी चार्ट एक देख लीजिए आप लोग, जहां पे आप लोगों को क्वांटिटी पता चल जाए उसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम सिरम बनाते हैं, ठीक है जी। चार्ट में लिखा हुआ था कि हम लोग को जितना रोज वाटर चाहिए उतना ही रोज ऑयल चाहिए। 5 टेबलस्पून हम रोज ऑयल लेंगे, 5 टेबलस्पून हम रोज वाटर लेंगे, 4 हमने विटामिन ई के कैप्सूल लेने 200 mg वाले। अगर आप लोग पास बड़े वाले हैं तो आप लोग 2 ले लें, मैं ये 4 ले रही हूं क्योंकि मेरे पास छोटे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमें चाहिए ऑरेंज ऑयल 2 टेबलस्पून। चलें जी, अब मैं अपना प्याला लेके आती हूं ऑरेंज सिरम बनाने के लिए। बाउल में अपना ले आई हूँ, इस बाउल को बहुत मिस कर रहे थे आप लोग पिछली वीडियो में कि आपका पुराना बाउल किधर है, ये देखिए जी आपको बहुत मिस किया जा रहा था, ठीक है जी। अब जी हम रोज बनाते हैं सिरम, ये मैंने सिरम 1 महीने से यूज कर रही हूँ, फुल बॉटल मैंने बनाई थी, अभी इतनी रहेगी, ठीक है। आप लोग भी यूज करिएगा और मुझे लाजमी रिव्यू करिएगा। मैं फास्ट फॉर्म में सब कुछ ऐड करती हूँ, रोज वाटर, रोज ऑयल और ऑरेंज ऑयल, विटामिन ई के कैप्सूल, जिस तरह मैं आपको क्वांटिटी बताई थी, फिर मैं वापस आती हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब हमने जी अपना सिरम रेडी कर लिया है, मेरा रोज ऑयल खत्म हो गया है क्योंकि मैंने दूसरी दफे सिरम बनाया था, ठीक है जी। इसके अंदर ऐड किए हैं 5 टेबलस्पून रोज ऑयल, 5 टेबलस्पून रोज वाटर, 2 टेबलस्पून ऑरेंज ऑयल और 4 विटामिन ई के 200 mg वाले कैप्सूल, अगर बढ़े हैं तो आप लोग 2 डाल दीजिए, ठीक है जी। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, अच्छी तरह। अगर आप लोग को एक्नी का ज्यादा इश्यू आ रहा है ना, तो 2 से 3 कतरे आप इसमें टी ट्री ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होगी। रोज ऑयल क्या कहते हैं, एक्नी को खत्म भी करता होता है, ठीक है जी। अगर फिर भी एक्नी नहीं खत्म हो रही तो आप लोगों ने 3 ड्रॉप सिर्फ टी ट्री ऑयल के ऐड कर दे, ज्यादा इसके अलावा आपने इसमें कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। अब जी हम अपनी बॉटल में, इस बॉटल में मैं इसको शिफ्ट करती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, बॉटल के अंदर ऐड करने वाला सबसे ज्यादा गर्म पड़ता है, इतना गिरता है ना, लेकिन मैंने बड़े एहतियात से डाले हैं, साइड्स पे लगा हुआ इसको, मैं बाहर के अपने हाथ पे लगा लेती हूँ ताकि वो भी सजा ना जाए, ठीक है जी। ये जी हमने सिरम अंदर ऐड कर लिया, अब हम लोगों ने इसको शेक करना है और हमें फौरन अब यूज नहीं करना, हम लोगों ने ओवर नाइट रखना है इसको, सारे ऑयल्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए, आपस में बातचीत उनकी अच्छी खासी हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, तो फिर हम लोगों ने इसको अगले दिन इस्तेमाल करा। आज रात आप लोग बनाएं, इसको ओवरनाइट रखें और सुबह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है जी। अब हम लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है, ऑयली स्किन वाले 2 पंप यूज करेंगे, ड्राई स्किन वाले 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं मेकअप से पहले, बहुत अच्छी फिनिश आती है बेस की। ये देखिए 1, ये देखिए मैंने लिया, मैं लगाती हूँ, इसके बाद मैं आप लोग को टिंट लगा कर दिखाती हूँ, ठीक है। ये आप लोग रात को लगाएं, ऊपर की तरफ मसाज करें, इस तरह मसाज करें, जॉ लाइन बनेगी, यू मसाज करें, चीक्स प्रोमिनेंट होंगी, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा सिरम है, ने समर सिरम सारा अप्लाई कर लिया है, देखिए अचानक ग्लो आई है। इसके ऊपर जब बेस लगेगी ना, 2 ड्रॉप्स ऐड कर लीजिएगा बेस में, मलाई की तरह लगेगी, मलाई की तरह। ये जी जो मैंने आप लोगों को टिंट बनाना सिखाया था, इसको हम एक बार शेक करेंगे, ठीक है जी। मैं टिंट ब्रश से लगाती हूँ, स्पंज से लगाती हूँ, कोई भी आप लोग कॉटन है कॉटन से लगा सकते हैं, या आप किस चीज से लगा सकते हैं, कोई कपड़ा ले लो, कपड़ा अगर ये नहीं है तो, ठीक है। हम लोगों ने टिंट लगाया, ठीक है, इसको हमने पहले ब्लेंड करते हैं, फिर दूसरी साइड पर लगाते हैं। नीचे की तरफ आ गया, इसको भी ब्लेंड कर देते हैं, ये देखिए
अब दूसरा एक पे लगाते हैं। इसके साथ टेंट भी बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को प्राइमर नहीं है तो वो ये बना लेंगे तो उनको प्राइमर की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम टेंट लगाएंगे, अगर और जरूरत होगी तो हम और अप्लाई कर लेंगे, वरना इतना एनफ होता है। यही ब्रश हम नाक पे फेर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद लिपस्टिक भी कुछ लड़कियां पूछ के लगा सकते हैं। उस वक्त मेरी लिपस्टिक इतनी डार्क लगी हुई थी, अगर मैं लगा लेती तो बहुत ज्यादा ओवर हो जाता। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब हमने अपना समर सेरम कर लिया है रेडी। हूँ शरीर का बुरी नाली मानना, शरीर का ग्लो नाल मानना। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, कोई इश्यू नहीं है। जब मर्जी, रात के 3 बजे से लेके सुबह, जब मर्जी इस्तेमाल करो, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, बस जी एक मैं बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो लड़कियां फील्ड वर्क करती हैं, जिनका धूप में ज्यादा काम है और बहुत ज्यादा देर चूल्हे के आगे खड़े होना है, तब ये ऑयल इतना अच्छा नहीं है। आप लोगों ने चूल्हे के आगे और धूप में इसको ज्यादा लगा के नहीं जाना। आप लोग रात को लगा लो, बेस से पहले लगा लो, जिस तरह मर्जी लगा, क्योंकि कोई भी ऑयल हो ना और हम उसको चूल्हे के आगे लगा के चले जाए या क्या कहते हैं वो धूप में लगा के चले जाए तो सन टैनिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कलर भी डल हो जाता है। इस बात का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। ठीक है जी, आऊंगी जी अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब समय से हम यूज कर लेंगे हफ्ते बाद कमेंट कर दीजिएगा। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सबको मैं बताऊंगी कि मामी जितना तंग करती है, कहती है गोदी 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 क्या होती है बताओ बताओ। सब कह रहे हैं ईमान भरी हो गई है, ईमान को गोदी नहीं उठाना। फिर गोदी, चलो अभी मैंने आपको मना किया और अब आप दोबारा गोदी गोदी। चलो मैं गोदी उठा लेती, मेरे बाल यहाँ खींचो। ठीक है, गंदा बच्चा, अच्छा बच्चा मेरा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कैसे पढ़ते हैं? ट्विंकल ट्विंकल जल्दी बता दो ना। ये क्या है, ये कौन सी पोएम है? बाबा भी अक्षत तो आती है ना, बताओ बाबा भी अक्षत तो आती है ना। हाँ जी, अब सारे हो गए हैं किचन के काम। मैंने आज बनाया है आलू शिमला मिर्च। इधर अरमान अपना खेल रही है। मानो इधर कार्टून देखे जा रहे हैं। एक्शन चेक करें मिसेस के। लिपस्टिक कैसे लगाते हैं? फुल ट्रेन मैंने कर देनी है 3 साल के अंदर अंदर। या इसको बर्तन दे दो या इसको मेकअप की चीजें दे दो। हाँ, फिस 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 को चाहिए परफ्यूम, हर वक्त इसको फिस फिस चाहिए। मैं जाऊं फिर? फिश नहीं है, फिश खत्म हो गई आपकी, और लेके आएंगे फिश। बाय बाय। नम नम, भूखी लगी है मेरे बेबी को। राइस दो, चावल दो, बोटी दो, अंडा दो, डाडा, ये अंडे को डाडा कहती है, डाडा दो। क्या खाना है? पराठा खाना है? टाटा टाटा खाना है? टाटा बना देते हैं, जो आप कहेंगे बना देंगे। टाटा किधर किधर भूख लगी है बताओ पहले। नो नो, इस तरह खराब हो जाएगा। नो नो, पीछे यहाँ हो जाएगी फिर। हाँ चलो, ओके बाय बाय कर दो। बाय बाय ऐसे कर दो, बाय बाय। नहीं ऐसे नहीं करते, नहीं करते ऐसे नहीं करते। नो ऐसे नहीं, दादू ने क्या बताया था? मैं दादू ने क्या बताया था? हाँ जी कहते हैं। मैं दादू ने क्या कहा था? हाँ जी, हाँ जी कैसे कहते हैं?
चलो ओके, मैं आपके लिए पराठा बना के लेके आती हूँ, ठीक है? अब अच्छा मम्मा जाए भी ना, आप गंदा काका है मेरा, बाय बाय। हाँ जी, ये देखो ये भी आपके ब्रश पड़े हुए।